इसके लिए ये देखिए मैंने स्टिचेस डाल लिए हैं। इसके जो स्टिचेस डालेंगे इवन नंबर में 2 के मल्टीपल में डालेंगे। तो ये मैंने डाले हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। 2 के मल्टीपल में फंदे डालने के बाद सीधी तरफ से ये पैटर्न शुरू होगा और 8 रोज में ये पैटर्न कंप्लीट होगा। ये गैप की 4 सिलाइयां हैं, उसके बाद जो ये पैटर्न है बीच में 8 सिलाइयों का है। फिर से 4 सिलाइयां गैप की डाल लें और फिर ये पैटर्न डालें। तो बॉर्डर इसके बाद ये गैप की सिलाइयां मैंने डाल रखी हैं, तो यहाँ से पैटर्न शुरू होगा। तो पहले और यहाँ से हम थ्रेड भी चेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए एक एज वाला फंदा सीधा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, एक स्किप करा, फिर एक सीधा, फिर से स्किप करा, एक सीधा। हमें इसी को रिपीट करते जाना है। एक स्किप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, एक सीधा बनाएंगे। और लास्ट ये हमने बना लिया। अब पैटर्न की सेकंड रो है बैक साइड। जो हमने फंदा बनाया है उसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे स्किप करेंगे, धागा पीछे, ये फंदा सीधा। तो इसी को रिपीट करते जाएंगे, जो स्किप किया हुआ है वो स्किप करते जाएंगे और जो बनाया हुआ है उसको सीधा बनाते जाएंगे हम। और लास्ट एज वाला फंदा। अब पैटर्न की थर्ड रो है फ्रंट साइड। अब ये हमें पूरी सिलाई सीधी सीधी बनानी है, निट ऑल द स्टिचेस। ये जो स्किप किया हुआ फंदा है इसको भी सीधा ही बनाना है। अब फोर्थ रो है बैक साइड। फोर्थ रो जो बैक साइड बनाएंगे वो भी हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। अब फिफ्थ रो फ्रंट साइड, यहाँ पे चेंज होगा अब पैटर्न। अब ये देखिए थ्रेड भी चेंज करेंगे। अब हम इस थ्रेड से बनाएंगे, एक फंदा ये वाला एज वाला बनाएंगे और नेक्स्ट स्किप करेंगे। एक बनाया, एक स्किप करा। जो पहली रो थी हमने थर्ड फंदे को स्किप करा था, ये देखिए 2 बना के तीसरे वाले को स्किप करा था। अब जो फिफ्थ रो है 1 बना के स्किप करा है, सेकंड फंदे को स्किप करा है। तो अब ये देखिए इसको बनाएंगे, स्किप करेंगे। बस इसमें यही चेंज होना है, फिफ्थ रो में शुरू के फंदे में हमें ध्यान देना है। स्किप करा और लास्ट में 2 फंदे सीधे। जो पहली रो आई थी वो शुरू में 2 फंदे हमने बनाए थे और जो फिफ्थ रो है उसमें लास्ट में 2 फंदे हमने बनाए हैं। सिक्स्थ रो बैक साइड, एज वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे
जो बनाया हुआ फंदा उसको सीधा बनाएंगे और जो स्किप किया हुआ है उसको स्किप करेंगे। सीधा बनाया, स्किप करा, 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 सीधा बनाया, स्किप करा और सीधा बनाया। सेवंथ रो है फ्रंट साइड। पूरी सिलाई सीधी सीधी बनानी है हमें इस थ्रेड से। अब एट्थ रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। पाल ऑल द स्टिचेस। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इन्हीं आठ सिलाइयों को, अब फिर से चार ये गैप वाली सिलाइयाँ देंगे और जब हम इन्हीं आठ सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो ये एक बड़ा सुंदर सा इस तरह से पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा और मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए पैटर्न के साथ।